हे गाइस, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास कुछ हरी मिर्ची रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कब तक ऐसी रखी रहेगी, तो मैंने सोचा इसे कुछ नए स्टाइल में फ्राई करते। तो चलिए देखते हैं किस तरह मैं इसे फ्राई करती हूँ। तो मैंने फ्राई करने के लिए इतनी सारी मिर्ची ले ली है। ये मैंने फ्रैंक पैन रखा है, फ्रैंक पैन को अच्छे से गर्म कर लिया। और ये है कुछ काली मिर्ची, 20 से 25 काली मिर्ची होगी, ज़्यादा नहीं है। और ये थोड़ा सा ज़ीरा काली मिर्ची को अच्छे से मैं भून लूँगी। भूनने के बाद फिर इसे अच्छे से थोड़ा सा स्लो मीडियम आँच पे अच्छे से भूनना है, क्योंकि अच्छे से जब तक ये भुनेगी नहीं तो ये अच्छे से पीस नहीं पाएंगे हम इसे। तो हमें इसे 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है। तो ये मेरी काली मिर्ची ज़ीरा भून चुका है, अब मैं इसे निकालूंगी मिक्सर के जार में। ये मैंने मिक्सर के जार में निकाल लिया, अब इसे मैं फटाक से पीस लूँगी। ये पीस भी लिया, अब हम इसे क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जैसे ही प्लेट में निकाला, इसमें हम डालेंगे मिनरियन, इसको बोलते हैं जंजीरा। आप सबने खाया होगा, मज़ा तो आया होगा। तो हम इस जंजीरे को इस काली मिर्ची ज़ीरे में मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक काली मिर्ची ज़ीरा हम तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रही मेरी हरी मिर्च, इसे हम बीच में से अच्छे से चीरा लगा लेंगे। आप देख सकते हैं, संभाल के लगाइएगा, नहीं तो हाथ भी कट सकता है। तो इसी तरह हम सारी हरी मिर्चों में चीरा लगा लेंगे, और फिर इसी तरह हमें सब मिर्चों में चीरा लगा लेना है। आप देख सकते हैं, और ये मेरी सारी मिर्ची हो चुकी है चीरा लगा के रेडी। अब मैं इसमें जो मेरे मसाले थे वो इसमें मैं अच्छे से भरूंगी। आप देख सकते हो, देखो इसी तरह भरना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है, बड़ा मज़ा आता है करने में, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। चटपटा, बचपन की याद आ जाएगी, जैसे हमें बचपन में खाने में मन करता था। ये हर कोई खा सकता है, तीखा नहीं होता है। अब ये हो गया है तावा, मैंने ले लिया है, मैंने जर्मन का तावा लिया है, फ्रैंक पैन नहीं यूज़ किया, इसमें अच्छे से हो नहीं पाता है। तेल अच्छे से गरम कर लेना है। ये तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम सारी हरी मिर्चें जो भी हमारी जितना भी है सब इसमें एक साथ रख देंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं लिया। अगर आपने ज़्यादा लिए तो इसे दो बार में कर सकते हो। मैंने एक ही बार में इसे फिनिश करना सोच लिया। अब हम इसे स्लो मीडियम आँच पे फ्राई करना है, तो अभी हम स्लोली इसे फ्राई करेंगे। जो बचे हुए मसाले हैं वो भी क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि इसका जो तेल भी बचे तो दाल चावल के साथ खाने में बड़ा मज़ा आए, क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है। आप सच बोल रहे हो, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो हल्का हल्का ब्राउन आ रहा है इसके अंदर, कलर भी अच्छा आ रहा है, देखने में भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है। अब आप देख सकते हो अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा, घर वालों को भी खिलाइएगा। और अगर आपको ये मिर्ची पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक खिला लाभ।